आज का युवा वर्ग महंगे लाइफस्टाइल को जीने के लिए आय के साधन खोजने के बजाय जरायम की दुनिया में कदम रखकर अपने शौक को पूरा कर रहे हैं। और कुछ ऐसे ही शौक पूरा करने वाले चार युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके पास से लूट की मोबाइल, नकदी और बाइक बरामद किया है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन लोगों ने बताया कि उनके परिवार की माली हालत इतनी बेहतर नहीं है कि उनके खर्च के लिए उन्हें हजारों रुपये प्रतिदिन दे, और इसी शौक को पूरा करने के लिए वो इन तरह की घटनाओं का अंजाम दिया करते थे। इन चार लोगों के गैंग में एक नाबालिग युवक भी था जो इनके साथ उनके कुकर्म में शामिल हुआ करता था। पूरा मामला सदर कोतवाली इलाके के बकुलियापुर गांव के 18-19 सितंबर की रात की है। 18/19/24 को कोतवाली में बकुलिया कोल्ड स्टोरेज के पास से दो व्यक्ति शिवकुमार यादव और मनीष यादव, जो उनका चचेरा भाई है, ये मोटरसाइकिल से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए आ रहे थे। उनको दो मोटरसाइकिलों में सवार चार व्यक्तियों ने रोका और उनके पास है, दोनों लोगों के पास एक एक मोबाइल और नकदी लगभग 4000 रुपये उन्होंने लूट लिए थे, जिसके लिए जिसका संबंध में थाना कोतवाली में 309 BNS के मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में के दौरान में सर्विलांस और CCTV फुटेज की मदद से चार लोग प्रकाश में आए, जिनके जो सोनू कुमार, दूसरे गौतम कुमार, तीसरा सूर्यकांत और चौथा ऋषु बे, इन चारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से लूट में प्रयुक्त होने वाली मोटरसाइकिल बरामद हुई और जो लूटे हुए मोबाइल थे, जिन घटना जिनके साथ हुई थी उनके लूटे हुए मोबाइल बरामद हुए। इसके साथ साथ इनके पास से 7 और मोबाइल जो इन्होंने विभिन्न घटनाओं में चोरी किए थे वो बरामद हुए। ऐसे में 3 लोगों को केवल पेश किया गया, उसमें एक बाल अपचारी है।